हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और स्टोरी आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द लॉयन एंड माउस, चूहे और शेर की कहानी। आप लोगों ने सबने सुनी होगी। आज इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। When a lion was resting in the jungle, a mouse began racing up and down his body for amusement. Okay, when मतलब जब a lion, एक lion means शेर, was means था, resting means आराम कर रहा, ठीक है। When means जब, a lion एक शेर, was means था, resting आराम कर रहा, in the jungle, in the jungle यानी कि जंगल में, a mouse एक चूहा, बिगिन उसने शुरू किया, रेसिंग, रेसिंग मीन्स होता है दौड़ना, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे, हिज बॉडी, हिज मीन्स उसकी बॉडी यानी के शरीर पर, फॉर अम्यूजमेंट, फॉर मीन्स के लिए, अम्यूजमेंट यानी के मनोरंजन के लिए। व्हेन अ लॉयन वाज रेस्टिंग इन द जंगल, जब एक शेर जंगल में आराम कर रहा था, अ माउस बिगिन रेसिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी फॉर अम्यूजमेंट, जो एक चूहा बिगिन शुरू कर दिया दौड़ना ऊपर नीचे, हिज बॉडी यानी कि उसकी बॉडी पर, एक चूहे ने ऊपर नीचे दौड़ना शुरू कर दिया मनोरंजन के लिए, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस को हम सिंपली बोल सकते हैं, इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या है, कि एक चूहे ने जो है ऊपर नीचे शेर के ऊपर, ऊपर नीचे दौड़ना शुरू कर दिया मनोरंजन के लिए, जब एक शेर जंगल में आराम कर रहा था, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज रेस्टिंग यानी कि आर आई आई एन जी लगा हुआ है वाज के साथ में, ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। द लॉयन स्लीप वाज इंटरप्ट, द लॉयंस यानी कि शेर की, ठीक है, एस जब लग जाता है ना हॉलमार्क के साथ में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, का की के। द लॉयंस स्लीप, जो शेर की जो नींद थी, स्लीप यानी कि नींद, वॉज इंटरप्टेड यानी कि उसकी जो नींद थी वो खंडित हो गई यानी कि बिगड़ गई या खराब हो गई। इंटरप्ट मतलब होता है किसी चीज का बिगड़ जाना या खराब हो जाना। एंड ही अवॉक इनरेज्ड, एंड ही यानी और वह, अवॉक मतलब जाग उठा, नींद से जाग उठा, इनरेज्ड गुस्से में वो नींद से जाग उठा। द लॉयन वॉज गोइंग टू ईट द माउस, गोइंग टू यानी कि वो खाने ही वाला था माउस को। व्हेन जब द माउस बेग्ड हिम, बेग्ड हिम यानी कि माफी मांगने लगा, टू लेट हिम, लेट मीन्स होता है जाने देने के लिए, ठीक है, कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने देने के लिए उससे माफी मांगने लगा। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, अश्योर मीन्स होता है भरोसा देना या भरोसा दिलाना, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ या भरोसा देता हूँ, इफ़ यू सेव मी, अगर तुम मुझे बचाते हो, इफ मीन्स यदि या अगर, यू सेव मी, सेव मतलब बचाना, तुम मुझे, मी मीन्स मुझे, अगर तुम मुझे बचाते हो, आई विल बी, विल बी यानी कि मैं करूँगा, ऑफ इमेंस, इमेंस मतलब अत्यधिक या बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो, हेल्प यानी कि मदद, टू यू तुम्हारी, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में, अगर तुम मुझे बचाते हो तो मैं तुम्हारी भविष्य में अत्यधिक मदद करूंगा, ऐसा उस चूहे ने शेर से कहा। द लॉयन लाफ्ड, लॉयन यानी कि शेर हंसा, शेर जो है वो हंसा, एट द माउस, माउस के ऊपर, माउस एट द माउस सेल्फ अश्योरेंस, जो उसका आत्मविश्वास था माउस का, वो उसके ऊपर हंसा, माउस सेल्फ अश्योरेंस के ऊपर वो हंसा। एंड फ्रीड हिम, एंड और फ्रीड हिम, फ्रीड यानी कि उसे मुक्त कर दिया या उसे आज़ाद कर दिया, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं सिंपली। अ ग्रुप ऑफ हंटर्स अराइव्ड इन द फॉरेस्ट वन डे एंड कैप्चर्ड द लॉयन, अ ग्रुप ऑफ हंटर, ग्रुप मीन्स क्या होता है, गिरोह, समूह, या फिर आप बोल सकते हैं झुंड, ठीक है। गिरोह का मीनिंग, ग्रुप का मीनिंग होता है गिरोह, काफ़ी सारे लोगों का एक ग्रुप कहते हैं ना हम, तो उसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, गिरोह भी बोल सकते हैं, झुंड भी बोल सकते हैं, या समूह भी बोल सकते हैं। ऑफ हंटर्स, हंटर्स मीन्स होता है शिकारियों का। अराइव्ड यानी कि आया, जब कोई चीज़ आनी होती है, अराइव्ड यानी कि आया, इन द फॉरेस्ट जंगल में आया, वन डे एक दिन, शिकारियों का कुछ एक समूह एक दिन जंगल में आया। एंड कैप्चर्ड द लॉयन, कैप्चर्ड यानी कि पकड़ लिया, द लॉयन यानी कि शेर को पकड़ लिया। अ ग्रुप ऑफ हंटर्स अराइव इन द फॉरेस्ट, एक शिकारियों का गिरोह जंगल में आया और उसने कैप्चर्ड द लॉयन यानी कि
शेर को जो है पकड़ लिया। दे हैड हिम टाइड टू अ ट्री। दे हैड हिम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइड यानी कि बांध दिया, टू अ ट्री, उसे एक ट्री से बांध दिया, एक पेड़ से बांध दिया। द लॉयन बिगेन टू रोर एज ही स्ट्रगल्ड टू गेट। द लॉयन, जो शेर था, बिगेन यानी कि उसने शुरू कर दिया टू रोर। रोर मीन्स क्या होता है, दहाड़ना, ठीक है। शेर जो दहाड़ता है ना उसको बोलते हैं रोर। शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया। एज ही स्ट्रगल्ड, जैसे कि वो, ही मतलब वह, स्ट्रगल्ड यानी कि वो संघर्ष कर रहा था, ठीक है, संघर्ष कर रहा था, टू गेट मीन्स मैंने आपको बताया ना कि मिलना, होना, पाना, हटना, छूटना या फिर बाहर आना। सो वो क्या कर रहा था, ही स्ट्रगल्ड टू गेट आउट। गेट आउट, वो बाहर आने का संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसने उसे रस्सी से वहां पर जो है, रस्सी से या किसी भी चीज से, ट्री से जो है बांध दिया था। तो वो चिल्ला चिल्ला करके, दहाड़ दहाड़ करके अपने आप को वहां से हटाने की कोशिश करता। सून, जल्द ही, द माउस पास्ड बाय एंड स्पॉटेड द लॉयन इन डिस्ट्रेस। द माउस, चूहा, पास्ड बाय यानी कि वहां से गुजरा। पास्ड बाय मीन्स होता है वहां से गुजरना। एंड स्पॉटेड, और देखा, द लॉयन, शेर को, इन डिस्ट्रेस, और शेर को जो है उसने तनाव में देखा। जल्द ही चूहा वहां से गुजरा और उसने शेर को तनाव में देखा, ठीक है, उसने शेर को जो है तनाव में देखा। डिस्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, ठीक है। ही डेस्ट ऑफ बिट बाइटिंग ऑन द रोप्स टू फ्री द लॉयन एंड द टू हरीज ऑफ इन टू द वुड्स। ही डेस्ट ऑफ, वो तेजी से भागा, बाइटिंग ऑन द रोप्स, रस्सी को काट कर, ठीक है, बाइटिंग यानी कि काट कर। मैं आपको हर बार बताया कि किसी भी चीज के साथ में अगर आई एन जी लग रहा है और वो आपको कोई भी कंटिन्यू टेंस नहीं देख रहा है, ना तो पास्ट का, ना प्रेजेंट का, ना फ्यूचर का, तो इट मीन्स होता है उस वर्ड के साथ में कर लगा हुआ है। भाग कर, खूंद कर, खेल कर, यानी कि बाइटिंग यानी कि काट कर, ऑन द रोप्स, रस्सी को काट कर, टू फ्री द लॉयन, लॉयन को फ्री करके, रस्सी को काट कर वो तेजी से भागा। एंड और द टू हरिड, और वो दोनों जल्दी से ऑफ इन टू यानी कि वहां से गायब हो गए द वुड्स, और वो वहां से जल्दी से दोनों के दोनों वुड्स में यानी कि जंगल में गायब हो गए। वुड्स का मीनिंग भी देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जंगल होता है। कई बार ना यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं आप लोग, फिर आप कमेंट में लिखते हैं कि मैम वुड्स का मीनिंग तो लकड़ी होता है, वुड का मीनिंग ये होता है फिर, बट वुड का मीनिंग जंगल भी होता है। और कई बार हम बहुत सारी न्यू वर्ड्स सीखते हैं, मैं इसीलिए आपसे बोलती हूँ कि इन सब चीज़ों से हमें यही फायदा होता है कि न्यू वर्ड्स बहुत सारे सीखने को मिलते हैं। अगर आपको आता है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो ये आपके लिए नया हो गया, वेरी सिंपल। और यस, एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने ही का यूज़ किया है। अब मुझे पता है कि काफ़ी सारे कमेंट्स आएंगे कि मैम एनिमल्स के लिए तो आप इट का यूज़ कर सकते हो, बट यस, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तब वहाँ पर हम एनिमल्स के लिए ही का यूज़ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। सो आज के अब 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन की। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मीन्स होता है मनोरंजन। सेकेंड वर्ड है इंटरप्टेड यानी कि खंडित होना या बिगड़ जाना या खराब हो जाना, ठीक है। इमेंस यानी कि अत्यधिक, इमेंस अत्यधिक या बहुत ज्यादा। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाने हैं, आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, किसी भी बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब टाइम है हमारे 3 डिक्टेशन वर्ड का। सो फर्स्ट जो हमारा डिक्टेशन का वर्ड है वो है इनरेज्ड, सेकेंड वर्ड है डिक्टेशन का सेल्फ अश्योरेंस, एंड थर्ड वर्ड है कैप्चर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का इनरेज्ड, सेकेंड सेल्फ अश्योरेंस, एंड थर्ड कैप्चर्ड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है, ये भी बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई और स्टोरी को शेयर करना, जैसे कि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो आई होप, थैंक यू सो मच, आपने वो सब मुझे टॉपिक्स बताए जिन पे मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर सकती हूँ। और आप अब भी मुझे शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी स्टोरी को जो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।